दोस्तों हम लोग भौतिकी का अध्ययन करेंगे और मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हम चीजों पे डायरेक्ट आए, बहुत ज्यादा किसी चीज को खींचना नहीं है, जो जहां है उसको समझते हुए और उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका नॉलेज हमको बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे जो बेसिक गणित की चीजें हैं जैसे टैन थीटा साइन थीटा ये सब क्या है, हो सकता है उन सब चीजों में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा और उनके नॉलेज के बिना आप भौतिकी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे इस तरह से मॉड्यूल भी आएंगे जिसको आप बूस्टर मॉड्यूल जिसको मैं नाम दूंगा, उस बूस्टर मॉड्यूल को आप समझ करके आपका जो इतने सालों में कुछ चीजें जो छूट गया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भौतिकी को हमें कोई हवा नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है कि जो विद्यार्थी बहुत ही तेज है केवल वही भौतिकी समझ सकता है। जो भी छात्र हमारा यह वीडियो सुनेगा, जो भी छात्र उस वीडियो को समझने के बाद सुनने के बाद यदि उसके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, मैं आपको उसी समय जवाब दे दूंगा या जब खाली रहूंगा उस समय जवाब दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8005442097। आप इस पे व्हाट्सएप हमें करिए, आपको मैं भौतिकी की समझ वाले ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा जहां पे आप डायरेक्ट अपना सवाल अपने डाउट वहां पर रख सकते हैं और उसको हम सब लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर आपका टीचर नहीं हूं, मैं यहां पर आपका फैसिलिटेटर हूं। जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा, उसको हम सब मिल करके अपनी बुद्धि अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसको सीखेंगे और इस तरह से अपनी जो भौतिकी का जो यह डिलक्स कोच है जिसमें अब हम लोग सवार हो चुके हैं उसको चलाते जाएंगे जब तक कि हमारा यह कक्षा 11 का भौतिकी पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आ जाता है। ऐसा कोई भी विषय, ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, आप कक्षा 10वीं तक में क्या नंबर पाए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको क्लास में क्या रैंक मिलता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे सीखना है, तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप भले ही एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे या पुअर स्टूडेंट रहे होंगे, हमारे साथ आप चलेंगे तो आप भौतिकी का नॉलेज आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुतों को टक्कर दे सकते हैं और जीवन में अच्छा भी कर सकते हैं। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपका डिवोशन होना चाहिए, मेरा भी कमिटमेंट है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी को समझने के लिए हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया था। अब ये सवाल उठता है कि जब भौतिकी में किसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो उसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं, इसको समझना है। जैसे हम ये चौक है, यह कितना इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, यह किसी और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, इन सारी चीजों को समझना है। इसको समझने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे बाजार में जाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि 5 किलोग्राम आलू दे दीजिए, 10 किलोग्राम आलू के दे दीजिए, यहाँ से मुंबई 400 किलोमीटर है, इस तरह से करके हम एक्सप्रेस करते हैं। हम कभी भी बाजार में जा करके ये नहीं बोलते हैं कि 200 दे दीजिए, 300 दे दीजिए, 400 दे दीजिए या आलू दे दीजिए, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा कि हमको कितना आलू देना है, कितना प्याज देना है, हमको कितनी दूरी तय करनी है। तो उस चीज को समझने के लिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक सवाल छोटा सा मैं आप लोगों से पूछूंगा, शायद वो आप लोगों को आज अटपटा लगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 किलो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या आपको हंसी आ रही है? पिछले कक्षा में मैंने यही सवाल पूछा था तो उसमें सारे बच्चे मुझ पे हंस रहे थे जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके कक्षा में
कितने छात्र हैं, कितने किलो छात्र हैं। तो सभी बच्चे हम पे हंस रहे थे क्योंकि उनको ये अटपटा सा लग रहा था कि कितने किलो छात्र, ये क्या सवाल हुआ, कहीं छात्र भी किलो में नापे जाते हैं क्या, ये एक अटपटा सा सवाल लगा। इस भौतिकी को जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है कि 5 किलो छात्र मेरे विद्यालय में पढ़ते थे, तो वो स्टेटमेंट आपको सर्वथा सर्वथा सही नजर आएगा। अब कहीं भी जाते हैं तो हम जनरली क्या देखते हैं कि भाई 10 मीटर हमको अभी चलना है, या 10 मीटर की हमें कपड़े दे दीजिए, 20 सेकेंड तक आपको आंखें बंद करके रखनी है, इस तरह से करके जब हम बातें करते हैं तो इसमें दो चीजें नजर आ रही है। एक देखिए जो 10 है, 10 क्या है, एक संख्या है, और उसके साथ में एक कुछ लिखा हुआ है मीटर। इस मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। इस मीटर को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। देखिए ये 10 मीटर है, और यहीं पे अगर मैं लिख देता हूं 10 किलोमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, यह तीनों चीजें क्या बता रही है, यह तीनों चीजें दूरी को बता रही है, यह तीनों चीजें दूरी को बता रही है। लेकिन कितनी दूरी होनी चाहिए यह निर्धारित होता है इस मात्रक से। यह मात्रक का दो फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, यह मात्रक, पहले तो ये आपको मात्रक देख करके आपको पता चलेगा कि यह क्या दर्शाता है। बिना मात्रक देखे आप नहीं सोच सकते हैं कि यह जो 10 है वो दूरी को दिखा रहा है, यह 20 जो है वो समय को दिखा रहा है। जब यह मात्रक हम देखते हैं, उस मात्रक से हमको पता चलता है कि यह जो 10 मीटर है यह लंबाई को दिखा रहा है, यह जो 20 सेकेंड है वह समय को दर्शा रहा है। तो एक तो बात यह हो गई, मात्रक का क्या काम हो गया, किस राशि को है उसको वो डिसाइड करती है, और दूसरा चीज के या किस राशि से वह मात्रक डिसाइड हुई है, तो आज फिर उस मात्रक से हम उस राशि को समझ पाते हैं। दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो 10 है, लेकिन ये मात्रक बदल रहे हैं, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है। तो हम सभी लोग जानते हैं ये जो 10 किलोमीटर है यह 10 मीटर से भी बड़ा है, और ये जो 10 मीटर है वो 10 सेंटीमीटर से भी बड़ा है। तो मात्रक से कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी है उसको भी डिसाइड करते हैं। यदि बड़ी मात्रक लेंगे तो छोटी संख्या लिख करके भी हम बड़ी दूरी को दर्शा सकते हैं, लेकिन यदि मात्रक छोटी होगी तो बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, तब वो उसी दूरी को, जैसे ये 10 मीटर है इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर पर क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो ये कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो जब मात्रक हमने बड़ा लिया तो संख्या हमको छोटा लेना पड़ा, जब मात्रक हमको हमने छोटा लिया तो ये संख्या हमको बड़ी लेनी पड़ गई। तो इसीलिए एक ही राशि के कई मात्रक हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी संख्या नहीं लिख सकते हैं, या लिख तो सकते हैं, उसका जब उपयोग करेंगे, गणित में उपयोग करेंगे, कहीं उपयोग करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे यदि हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहां पे जो खंभे लगे रहते हैं, उस खंभे में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, किलोमीटर के टर्म में लिखा रहता है, बहुत आसानी होती है। ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, 300 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, तो जितना हमारा साइज होता है उसमें वो फिट बैठ जाता है। लेकिन कल्पना करिए यदि हमको सेंटीमीटर में लिखना होता तो 100 किलोमीटर को हम कितना लिखते, 1 किलोमीटर को हमको कितनी जीरो बैठाना पड़ता, क्या वो इंडिकेटर में हम बैठा पाते। इसीलिए हमको अलग अलग मान का यूनिट मात्रक लेना पड़ जाता है। तो दो बातें समझ गए, किसी भी राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, वह मात्रक का जो साइज है वह अलग अलग होता है, किसी भी राशि को क्वांटिफाई करने के लिए, उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए दो चीजें होती है, एक तो हमको संख्या होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका मात्रक होना चाहिए। तो
तो ये दो चीजों से हम किसी भी वस्तु का जो क्वांटिटी है उसको पता कर सकते हैं। बाद में आप देखेंगे कि जैसे राशियां कई तरह की होती हैं, अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि में आपको एक दिशा का भी मात्र दिशा भी दर्शाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग केवल यहाँ पर मात्रा की बातें कर रहे हैं, अदिश और सदिश राशि की तरफ अभी हम लोग नहीं बढ़े हैं। तो इस तरह से करके हम लोग समझ गए कि मात्रा के क्या होता है। अब क्या हुआ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी है जो क्वांटिटी है जो एक दूसरे से बन सकती है, वो कैसे बन सकती है, तो आप ध्यान में रखो। जैसे मैं बोलता हूं, एक चीजें होती है लंबाई, दूसरा हो सकता है क्षेत्रफल, तीसरा हो सकता है वेग, समय। लंबाई में आप लंबाई को एक आधार मान लो, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है। वेग क्या है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है और ये समय है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई एक जो क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी से भी मिलकर बन सकता है। इवन लंबाई को यदि अगर हम लोग देखा जाए तो रूट ओवर क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या, क्योंकि लंबाई गुने लंबाई क्षेत्रफल है, तो लंबाई को हम रूट ओवर क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि के टर्म में लिखी जा सकती है। तो पूरे विश्व भर के जो भौतिक वैज्ञानिक थे उन लोगों ने बैठ करके कुछ डिसीजन लिया कि भाई ऐसा मिनिमम कितना राशि चाहिए जिससे हम दुनिया के बाकी अन्य राशियों को भी निकाल सकते हैं। तो जो मिनिमम राशि उन्होंने बताया उस राशि को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया उनको उन्होंने, मूल राशि बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि वो मिनिमम नंबर ऑफ राशि जिससे दुनिया की बाकी सारी राशियां बाकी सारी क्वांटिटी तय की जा सकते हैं, उन सबको उसने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि किया। और अन्य सारे राशियों को उन्होंने नाम दे दिया, जिसका क्या नाम दे दिया, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल इसको समझना है, बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। एक क्या हो गया, मूल राशि हो गया, दूसरा क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। तो व्युत्पन्न राशि क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है वो व्युत्पन्न राशि हो गया, क्योंकि वो लंबाई गुने लंबाई होता है। उसी तरह से जो वेग हो गया वो भी व्युत्पन्न राशि हो गया, क्यों, तो वो लंबाई बट्टा समय हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो तरह की राशि हो गई, एक मूल राशि हो गई, दूसरी व्युत्पन्न राशि हो गई। व्युत्पन्न राशि क्या है, वो व्युत्पन्न राशियां जो है वो मूल राशियों से के टर्म में लिखी जा सकती है। अब मूल राशियां कितनी है, उसकी मात्रक क्या है, इस पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का जो ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है दुनिया में। तो एक पद्धति चलती है जिसका नाम SI पद्धति है। बहुत सारे लोग SI का फुल फॉर्म पूछेंगे वगैरह पूछेंगे, आपकी इच्छा, किताब में पढ़िए और उसको जानिए। हमारे भौतिकी के लिए बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखना है SI पद्धति। SI पद्धति क्या है, SI एक वैज्ञानिकों का ग्रुप कॉन्फ्रेंस टाइप से बनता है और वो लोगों ने डिसाइड किया था कि ये राशियां जो है वह मूल राशियां हैं, उनके ये मात्रक होंगे, उनके ये संकेत होंगे। इस तरह से करके SI पद्धति में हमारे पास टोटल 7 राशियां मिलती है। कितनी राशियां मिलती है, 7 राशियां मिलती है। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, जो हमारे पास अनुपातिक पदार्थ की मात्रा हो गई, और दीप्ति तीव्रता हो गई। इस तरह से करके अपन हमारे पास कितनी है, 7 राशियां हैं जिसको हम लोग मूल राशियां कहते हैं।
आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सात राशियों का आप लोग नाम जरूर याद रखें। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, अनुपातिक पदार्थ, दीप्ति तीव्रता। अब इन सब का एक संकेत दिया गया है, सिंबल दिया गया है। लंबाई को एल का, एल से एल संकेत है। द्रव्यमान का संकेत एम होता है, कैपिटल एम। लंबाई का कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, विद्युत धारा का कैपिटल आई, ताप को के, कैपिटल के, अनुपातिक पदार्थ को मोल लिखते हैं, MOL, मोल। मोल एक्चुअली में पूरा फुल फॉर्म लिखा जाए तो MOL ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग MOL यूज करते हैं। दीप्ति तीव्रता क्या है? CD बोलते हैं, CD से। ये CD दोनों स्मॉल लेटर में है, MOL भी स्मॉल लेटर में है। अब इनका SI मात्रक भी लोगों ने, SI मात्रक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह SI पद्धति के द्वारा होता है। तो कोई दूसरी पद्धति भी हो सकती है, हाँ होती है, CGS पद्धति होती है। जैसे आपका SI मात्रक में मीटर है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर हो जाएगा। तो SI मात्रक के भी सबका देखा जाए तो लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, अनुपातिक पदार्थ का मोल है, दीप्ति तीव्रता का कैंडेला है। और इन जो SI मात्रक है उसका भी संकेत होता है, ताकि गणित में आप आसानी से छोटे से टर्म में, क्रिस्प टर्म में आप उसको लिख सके। मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी, स्मॉल केजी से डिनोट करते हैं, सेकेंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से, के इसके अलावा डिग्री सेल्सियस होते हैं। आप लोगों ने बचपन में केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, वो सभी फार्मूला सीखा होगा। उसी तरह से मोल है, केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मोल, एक मोल बराबर कितनी संख्या होती है वो जानना है। 6.022 × 10²³ नंबर्स क्वांटिटी को हम लोग मोल कहते हैं। उसी तरह से कैंडला है। और इन सब का क्या है, एक डिफिनेशन भी होता है, मतलब लंबाई है तो वो कितना लंबाई को हम 1 मीटर बोलेंगे, उसका भी एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन निकाला गया है, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप लेबोरेटरी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इसका पता चलेगा। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि भाई SI पद्धति की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, जैसे हर चीज इवॉल्व करता है, उसी तरह से हमारा जो मात्रक है वो भी इवॉल्व करता है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे, एक हाथ आप कपड़ा दे दीजिए, कागज में बहुत आसान है, एक बित्ता, दो बित्ता, इस तरह से करके। लेकिन भाई मेरी बित्ता की लंबाई अलग होगी, आपके बित्ता की लंबाई अलग होगी। अगर आप बोलोगे दो बित्ता में दे दो, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारा बित्ता अलग हो जाएगा, आपका बित्ता अलग हो जाएगा, हमें ज्यादा मिल जाएगा, आपको कम मिल जाएगा। उसी तरह से फुट होता था, फुट क्यों होता था, तो जो हमारे राजे महाराजे होते थे वो एक फुट से जितना नाप देते थे उतनी क्वांटिटी को एक फुट बोल दिया गया। तब दो बातें हो गई, जब हमको फुट नापना है तो उसके लिए हमको राजा महाराजा को बुलाने हैं, जो अवेलेबल होती नहीं थी। तो मात्रक हमारे पास दो चीजें हो गई, मात्रक कैसा होना चाहिए, एक मात्रक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, उसको जो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज हम नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी, हम फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब हम 1 मीटर की बात करते हैं तो दुनिया में कहीं जाए, पहाड़ पर जाए, जमीन पर जाए, आसमान पर जाए, कहीं भी जाए, वो मीटर उतना ही रहेगा। जब हम किलोग्राम की बात करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाए वो किलोग्राम उतना ही होगा। सबके पास एक स्टैंडर्ड जो किलोग्राम रखा है उसका रेप्लिकेटा निकल के आप लोग देखते हैं, गांव में भी बटखरा होता है, वो भी एक किलोग्राम है, आसानी से बना दिया गया। किसी राजा को बताने की, बुलाने की जरूरत नहीं है, जो हमको बताएगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है, इजिली अवेलेबल है। उसी तरह से सेकेंड है, घर घर में घड़ी है, आसानी से आप 1 सेकेंड का मेजर कर सकते हो। एम्पियर है, केल्विन है, इस तरह से करके केल्विन आप देखते हैं, टेम्परेचर जो आप मेजर करते हैं वो आसानी से आप मेजर कर लेते हो। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो मात्रक क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो डिफिनेशन वाली बातें हैं, जिसको आप लोग किताब में भी आप उसको बार बार पढ़ेंगे। हमारे लिए जानने की जरूरत क्या है कि दो तरह की राशियां होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है, दूसरा मूल राशि होती है। मूल राशि क्या होती है, ये
जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों हैं उन्होंने पूरे दुनिया में सात क्वांटिटी को डिफाइन किया, जिसको ओरिजिनल क्वांटिटी समझा, उसको उन्होंने मूल राशि नाम दिया, उनके लिए संकेत डिसाइड किया, उनके मात्रक डिसाइड किए, और उसके बाद दुनिया में जितनी भी अन्य राशियां आ रही हैं उन सबको उन्होंने मूल राशियों के टर्म में ही लिखा। जैसे क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने लंबाई उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर उसका मात्रक हो जाएगा। वेग है, लंबाई बट्टा समय है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बट्टा सेकेंड हो जाएगा। तो बाकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उन सबका मात्रक मूल राशियों के मात्रक से ही निकाले जा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो इतना नॉलेज हम लोगों को मात्रक के बारे में रखना है।